टू फिंगर टेस्ट एक मैनुअल प्रक्रिया है। इसके तहत डॉक्टर पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में एक या दो उंगली डालकर टेस्ट करते हैं कि वर्जिन है या नहीं। अगर उंगलियां आसानी से चली जाती हैं तो माना जाता है कि वह सेक्सुअली एक्टिव थी। इससे वहां उपस्थित ह्यूमन को पता भी लग जाता है। इस प्रक्रिया की तीखी आलोचना होती रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में टू फिंगर टेस्ट के इस्तेमाल पर लगी रोक बरकरार रखी है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने सोमवार को चेतावनी दी कि ऐसा करने वालों को कदाचार का दोषी माना जाएगा। पीठ ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि इस तरह के टेस्ट आज भी जारी हैं। अदालत ने स्वास्थ्य मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में यौन उत्पीड़न या रेप पीड़िता का टू फिंगर टेस्ट नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी लीलू राजेश बनाम हरियाणा राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने इस टेस्ट पर सख्त टिप्पणी की थी। इसे रेप पीड़िता की निजता और उसके सम्मान का हनन करने वाला करार दिया गया था। यह भी कहा गया था कि मानसिक को चोट पहुंचाने वाला टेस्ट है। तेलंगाना हाई कोर्ट के एक मामले के खिलाफ चल रहे केस का फैसला सुनाते हुए SC ने यह टिप्पणी की है। अपने फैसले में बेंच ने कहा है कि कोर्ट ने रेप केस में टू फिंगर टेस्ट नहीं करने का आदेश कई बार दिया है। दरअसल इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह महिलाओं को बार बार रेप के समान प्रताड़ित करने जैसा है। यह टेस्ट उस गलत धारणा पर आधारित है कि सेक्सुअली एक्टिव महिला का बलात्कार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों के लिए निर्देश जारी कर दिया है कि टेस्ट से जुड़े दिशा निर्देश सभी सरकारी व निजी अस्पतालों तक पहुँच जाएं। साथ ही हेल्थ वर्कर को वर्कशॉप के जरिए विक्टिम की जांच करने वाले दूसरे टेस्ट की ट्रेनिंग दी जाए जिसका वैज्ञानिक आधार हो। इसके अलावा मेडिकल सेलेब्स को रिव्यू करने की जरूरत है ताकि भावी डॉक्टर्स की ओर से इस टेस्ट की सलाह न दी जाए।